तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास जो है मेरे गाड़ी में स्टीरियो जो लगा है ये सोनी का है। तो ये देखिए इसका जो बटन जो है काम नहीं कर रहा है, कोई सा भी बटन इसमें दबा लीजिए इसमें काम करेंगे। तो हम इसके आज करेंगे रिपेयर। तो कैसे रिपेयर करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है सही से, इसे हम कनेक्शन हटा देते, दोबारा से भी लगा लेते हैं, देखिए तब भी इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ये देखिए इसका जो बटन है कोई सही से काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं कोई बटन काम नहीं कर रहा है। बोलिए हम कहिए या कुछ भी कहिए, तो आज इसके करेंगे हम रिपेयर। इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसे हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करके इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसमें जो बोल्ट होता है ना यहाँ पे, इस दो बोल्ट को हम सबसे पहले हम खोलेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा सोनी का स्टूडियो है, जो सोनी का है। अब इसे हम करने वाले हैं रिपेयर, जो कि इसका कोई बटन काम नहीं कर रहा था। आप देख रहे थे कि कोई बटन इसका काम नहीं कर रहे थे, तो इसे क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे इसका जो है ये दो बोल्ट है, इस दो बोल्ट को हम खोलना है। तो पेचकस लीजिए, पेचकस की मदद से इन दोनों बोर्ड को हम खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये दोनों बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो है खोल दिया है। हम अब करना है इसका जो है ये नाखून की मदद से इसका जो है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम का ये जो है इसे निकाल लेना है। इस तरह से निकल जाएगा और जो है इसका जो है ये इस तरह से नाखून की मदद से हम इसका खो बाहर को ये निकालेंगे। मेरे हाथ में कैमरा है तभी मैं ये हाथ से कर रहा हूँ। ये देख लीजिए इसका ये खुल गया है, बाकी ये देखिए ये खुल लेना है, खुल गया गाइस। ये इसका डिस्प्ले, ये बोलियम है इसका। अब जो है हमारा कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ये कनेक्शन है इस कनेक्शन में और थोड़ा सा ये बटन वगैरह इस साइड में, ये जो बटन है इस साइड का और इस कनेक्शन में थोड़ा सा क्या करना है हमें, आपको थोड़ा सा जैसे ये हमने मेरे पास है पेट्रोल, ये देख लीजिए पेट्रोल की मदद से क्या करना है इसमें, इसमें हम जैसे इस कनेक्शन के जो डैक के कनेक्शन है इसमें थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना है। और पेट्रोल लेने के बाद जैसे ये मेरे पास ब्रश है, ये ब्रश से इसे जो है इस तरह से क्लीन करना है, और थोड़ा ये सब जो है ये यहाँ पे और ये सब भी क्लीन करना है, ये सब भी क्लीन करना है अपना। तो मैं जो है मेरे हाथ में मोबाइल है तभी मैं ये हाथ से कर रहा हूँ, मैं इसे कर लेता हूँ फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। तो इधर का मैंने क्लीन कर लिया, ये देख सकते हैं इस साइड का मैंने क्लीन कर लिया, ये सारा मैंने क्लीन कर लिया अभी ब्रश और पेट्रोल की मदद से। और इस साइड में करना है, इस साइड में करना है क्या, हमें जो ये बटन है जैसे इस साइड में ये बटन है, इस साइड में थोड़ा बटन है और यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है थोड़ा सा ये जो है पेट्रोल लेना है, पेट्रोल लेना है और इसमें डालना है हल्का सा। निकल नहीं रहा, इसमें कचरा हटाना पड़ेगा इसका। तो बस क्या किया मैंने, ढक्कन खोल लिया, ढक्कन खोलने के बाद ये ब्रश में थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल ले लिया और उसके करते ढक्कन बंद, देख सकते हैं। अब जो है इसमें जो बटन है हमारे, ये बटन के चारों तरफ अच्छे से क्लीन करना है, तो बटन के चारों तरफ अच्छे से क्लीन करना है, ये बढ़िया से क्लीन करना है बढ़िया से अच्छे से। और इधर तो ये जो कनेक्शन है इसका, जो ये कनेक्शन है मेन जो कनेक्शन है
इसमें भी ब्रश से बढ़िया से क्लीन करना है। अब जैसे इसका क्लीन हो गया, गैस मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था इसका, आप देख सकते हो इसमें पेट्रोल अभी भी है। पेट्रोल से इसलिए कुछ नहीं होता ना, पेट्रोल जो है बाद में ही उड़ जाता है, रहता नहीं है उसमें। देखिए सारा इसमें पेट्रोल से मैंने भी क्लीन किया ब्रश और पेट्रोल से। इसका जो मेन जो है ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन को क्लीन करना होता है। मैंने ये बटन भी कर दिया, बटन में भी कचरा आ जाता है कभी कभार, जो है कार्बन आ जाता है उसके चक्कर से कनेक्शन भी बंद हो जाता है, काम नहीं करता सही से, तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया। तो अभी इसे हम जो है पैक करने वाले हैं इसके बॉक्स में। तो गाइस देखिए इसमें हमने जो है दोबारा से पैक कर दिया है, ये देख लीजिए इसका बोर्ड लगा दिया हमने। और लगाना है इसका वॉल्यूम का जो है मेन, जो है वॉल्यूम का। अब इसे वॉल्यूम लग गया, अब चलिए अब लगाते हैं अपनी गाड़ी में, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये देख लीजिए ये सोनी का वो जो है अभी जो हमने रिपेयर किया है, हम इसे लगाते हैं अभी। ये देखिए इसमें लाइट तो आ गया, अब इसका बटन चेक करते हैं। ये देखिए अब ये जो है वर्क करना शुरू कर दिया, ये देख लीजिए। है ना, वर्क करना शुरू कर दिया ना, हम इसे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऑक्स में आ गया, यूएसबी टू एफएम में आ गया, ये यूएसबी में आ गया। इसमें से कोई टाइम कोई बटन नहीं काम कर रहा था, ये इधर से कोई ये वॉल्यूम भी काम नहीं कर रहा था सही से। देखिए अब वॉल्यूम भी काम कर रहा है, ये देखिए ये वॉल्यूम भी काम कर रहा है, बीच वाला बटन भी काम कर रहा है, ये देखिए सब बटन अब काम कर रहा है। देखिए उस टाइम कोई बटन नहीं था, जो है इसे कनेक्शन और अंदर से थोड़ा क्लीन पेट्रोल से क्लीन करने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपका भी कोई ऐसा कभी दिक्कत आए तो आप भी ऐसे कीजिए, 100% जो है वर्क करना शुरू कर देगा।